गुरु नानक देव जी बारे ओशो दे विचार। अमृत वेला सच नौ वडियाई विचार। तुसी इत्थे बैठे मैनू सुन रहे हो, जाके तुसी जा पहुँचे दफ्तर ते तुसी काम चालू कर दिता, जाके तुसी अपनी दुकान ते पुज गए अपना काम धंधा चालू कर दिता। जो मैं कह रहा हूँ तुसी सुन रहे हो, जाके उहदे संबंध च विचार कर रहे हो। जे तुसी उस संबंध च विचार कर रहे हो तो तुसी इत्थे नहीं हो, वर्तमान पल नूं तुसी गवा देंदे हो। इस अमृत वेले नूं फड़ना होवे तां हर घड़ी सजगता नाल जिउणा जरूरी है। तुसी भोजन करो तां केवल भोजन करो, होर कोई विचार मन च ना चले। तुसी इशनान करो तां केवल इशनान करो, होर कोई विचार मन च ना चले। तुसी दुकान ते आओ तां दुकान ही रहे, होर कोई विचार ना आए। घर भुल जाओ, घर जाओ तां दुकान भुल जाए। तुसी इक इक पल विच जदों जाओ पूरे उत्थे रहो, इत्थे उत्थे नहीं। हौली हौली तुहाडी दृष्टि बारीक होएगी, तुसी वर्तमान पल नूं प्रेजेंट मोमेंट नूं देखण समर्थ हो सकोगे। इस तो पिछों ही तुसी अमृत वेले ध्यान कर सकोगे, क्योंकि वह तो बहुत महीन घड़ी है, एक झटके च बीत जाती है। तुसी कुछ होर सोचते रहते हो, उस वेले बीत जाती है। सौण तो पहला पए रहो बिस्तरे ते, सारे पासियां तो मन नूं शांत कर लो। विचार इधर उधर ना लै जांदे होण, नहीं तो जदों घड़ी आएगी तो तुसी उत्थे हाज़र नहीं रहोगे। तुसी किसी चिंता विचार च डुबे रहोगे। सारे पासियां तो अपने आप नूं शांत कर लो, मन बिल्कुल सुन्ना हो जाए। उत्थे कोई विचार ना घूमदा होवे, कोई बदल ना घूमदा होवे, नीले आकाश वर्गा हो जाए मन। खाली सुन्ना देखते रहो, क्योंकि खाली सुन्ना होने दे नाल भय है कि तुसी सौ जाओ। वेखते रहो अंदर की हो रहा है। तुसी बराबर खड़ाके की एक आवाज़ सुनोगे, जिवें गेयर बदल रहा, लेकिन गेयर बहुत बारीक है। जेकर विचार चलते होंगे तुसी सुनी नहीं सकोगे। बराबर तुसी वेखोगे कि दिन रात च बदल रहा है, रात दिन च बदल रही है, सोना नींद बन रही है, नींद जागना बन रही है। तुसी दोहां नूं वक्खरे वेखण वाले हो, वो वेखण वाला ही अमृत है। तुसी वेखोगे अपने अंदर जागरण गया, इस दरवाजे तो नींद आ गई। तुसी सवेरे पाओगे नींद गई, जागरण आ गया। तुसी नींद ते जागरण दोहां नूं वेख सकोगे, तुसी दोहां तो वक्खरे हो गए, तुसी दृष्टा हो गए। यही अमृत की घड़ी है। ये नानक कहिंदे हन, इस अमृत वेले बस उहदी महिमा का भाव रहे। महिमा का अर्थ है साचा साहिब साच नाए, बस उहदी महिमा का भाव रहे, शब्द भी नहीं। जेकर तुसी जपजी दोहरांदे रहे तां वी खुंझ जाओगे। इहनूं वी ख्याल च रख लैणा कि महिमा का अर्थ शब्द नहीं, महिमा एक भाव दश है। तुसी जेकर कहा है तू अपरंपार है, तू महान है, तू ये अजिहा, तू ओहो जिहा, इसे च तुसी खुंझ जाओगे। वो पल बारीक है, पर इनू थोड़ा समझना औखा है। तुसी कदे भाव जाणिया, तुसी कदे किसी दे प्यार च पए, तां की जरूरी है कहना कि मैं तुहानू प्यार करदा। जब तुसी अपने प्यारे दे कोल होवो, कि बार बार दोहराना जरूरी है कि मैं तुहानू प्यार करदा। तुसी बड़े सोहणे हो, तुहाडे तो सोहणा होर कोई नहीं। इन्हां शब्दां नाल तां गल्लां थोथियां ते होछियां हो जांदियां। सच तां इह है कि तुसी जद इह कहिंदे हो तद प्रेम दी महिमा गुआच गई। इह शब्द उस महिमा नूं नहीं लिया सकदे। तुसी प्रेमी दे कोल हुंदे हो, चुपचाप बैठदे हो, लेकिन हिरदे च इक भाव गूंजदा रहिंदा है। प्रेमी दी महिमा दा उह भाव शब्द नहीं। शब्द तां मस्तिष्क च गूंजदे है, भाव हिरदे च गूंजदा है। तुसी पुलकित हुंदे रहिंदे हो, तुसी आनंद माणदे हो, तुसी बिना कारण तो खुश होंदे हो। कोई कारण नहीं हुंदा, तुसी पाउंदे हो कि भरे हुए हो, कुछ खाली नहीं है। तुसी पूरी तरह पूर्ण हुंदे हो, तुहाडी पूरी तरह की पूर्णता, तुहाडी ओवरफ्लोइंग हड़ दे वांग तुहाडी वगदी हुई ये प्यार की धारा प्रेमी अनुभव करदा है। प्रेमियां नूं तुसी सदा चुप पाओगे, पति पत्नियां नूं तुसी सदा गलबात करदे पाओगे, क्योंकि पति पत्नी डरदे है चुप हो जाण तो। चुप होए तां सारा संबंध टुट जांदा है, गल्लां बातों का ही सारा संबंध है। जे पति चुप है, पत्नी समझती है क्यों तुसी चुप हो, की गल है। जे पत्नी चुप है तो पति सोचता कुछ गड़बड़ है। चुप वह होंदे ही तद जदों लड़े होंदे है, नहीं तो बोलते ही रहते हैं। इनू थोड़ा सोचना, तुसी चुप होंदे ही तद जब तुहाडा झगड़ा चल रहा है, गलबात बंद होंदी है, लेकिन जब तुसी ठीक होंदे हो तो गल्लां बातां करदे रहिंदे हो। तुसी मौन की वरतों झगड़े लिए करदे हो, मौन की वरतों वड्डे तो वड्डे प्रेम दे लई करना है। जदों दो प्रेमी सच्ची मुची प्रेम च होंदे आ, वो इन्ने गद गद होंदे आ कि बोलण नूं कुछ बचदा ही नहीं, हंझू वग सकदे आ उस गद गद भाव विच।
ਉਹ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਹੱਥ ਹੱਥਾਂ 'ਚ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੈ, ਉਹ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਗਲਵੱਕੜੀ ਪਾ ਸਕਦੇ ਹੈ, ਪਰ ਵਾਣੀ ਗੁਆਚ ਜਾਏਗੀ। ਪ੍ਰੇਮੀ ਗੂੰਗੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹੈ, ਬੋਲਣਾ ਹੋਛਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਬੋਲਣਾ ਵੀ ਰੁਕਾਵਟ ਪਾਉਂਦਾ ਮਾਲੂਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਬੋਲੇ ਤਾਂ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਗਹਿਰੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਘਿਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਟੁੱਟ ਜਾਏਗੀ। ਬੋਲੇ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਤਾਰ ਬਣ ਗਿਆ ਹਿਰਦੇ ਦਾ, ਇਹ ਛਿੰਨ ਭਿੰਨ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਬੋਲੇ ਤਾਂ ਕੰਬ ਜਾਏਗੀ ਸਾਗਰ ਦੀ ਸਤਾ, ਲਹਿਰਾਂ ਉੱਠਣ ਲੱਗ ਪੈਣਗੀਆਂ। ਇਸ ਲਈ ਪ੍ਰੇਮੀ ਚੁੱਪ ਚਾਪ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹੈ। ਉਸ ਘੜੀ ਵਿੱਚ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ 'ਚ ਮਹਿਮਾ ਦਾ ਵਿਚਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਸ਼ਬਦ ਨਹੀਂ ਬੰਨਣੇ, ਮਹਿਮਾ ਦਾ ਭਾਵ ਕਰਨਾ। ਅਹੋ ਭਾਵ ਚੁੱਪ ਚਾਪ ਕੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਸਭ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਭਰੇ ਪੂਰੇ ਹੋ, ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ। ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਧੰਨਵਾਦ ਵਗ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਧੰਨਵਾਦ।